सनी देओल की फिल्म ब्लैंक बॉक्स ऑफिस पर आज 3 मई 2019 को दस्तक दे चुकी है। फिल्म ब्लैंक में सनी देओल के अलावा करण कपाड़िया, इशिता दत्ता, करणवीर शर्मा भी लीड रोल में मौजूद हैं। सनी देओल की फिल्म ब्लैंक का पहला ही दिन बॉक्स ऑफिस पर जादू देखने को मिल रहा है। सनी देओल के एक्शन में थ्रिलर से भरपूर फिल्म ब्लैंक दर्शकों का दिल जीत रही है। ब्लैंक देखकर सिनेमाघरों से बाहर निकल रहे दर्शक फिल्म का शानदार रिव्यू दे रहे हैं, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म ब्लैंक बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग करने के लिए तैयार है। दरअसल ब्लैंक में सनी देओल के साथ साथ करण कपाड़िया, इशिता दत्ता के अभिनय की भी जमकर तारीफ हो रही है। बहचाद खंबाटा के निर्देशन में बनी फिल्म ब्लैंक को मिल रहे रिस्पॉन्स को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म पहले दिन शुक्रवार को करीब 4 से 5 करोड़ तक की कमाई कर सकती है। वहीं अगर दूसरे दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो शनिवार को हाफ डे होने के कारण इस फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिलेगा और कमाई 6 से 7 करोड़ आसानी से हो सकती है। वहीं फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन पहले दिन 6.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। सनी देओल स्टार है फिल्म ब्लैंक को देश भर में 1600 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। तो सनी देओल की फिल्म ब्लैंक का बजट करीब 20 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, यानी फिल्म ब्लैंक को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कम से कम 30 करोड़ की कमाई करनी चाहिए। हालांकि अगर फिल्म को दर्शकों का प्यार मिला तो उम्मीद जताई जा रही कि ब्लैंक 50 करोड़ का बिजनेस आसानी से कर लेगी। बता दें कि फिल्म ब्लैंक से डिम्पल कपाड़िया की बहन सिंपल कपाड़िया के बेटे यानी अक्षय कुमार की पत्नी डिम्पल कपाड़िया के भाई करण कपाड़िया बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं। ब्लैंक में करण हनीफ नाम के एक शख्स के किरदार में नजर आ रहे हैं। करण फिल्म में एक स्लीपर एजेंट की भूमिका में दिख रहे हैं, जो आतंकवादी मकसूद के कहने पर जिहाद के चक्कर में अपने शरीर पर बम बांध कर ब्लास्ट करने के लिए निकल जाता है हिंदुस्तान में। वैसे आपको ये फिल्म कैसी लगी है कमेंट में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नई वीडियोज़ के लिए।